अभय सिंह जी से हम ये सवाल ना पूछ रहे हैं ना उनका जवाब चाहते हैं। अभय सिंह चौटाला जी को इसमें मत परेशान कीजिए, वो वैसे ही ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को मझधार में ला के छोड़ देगी। मैं ये मानता हूँ कि मनोहर लाल जी की वजह से, उनकी छवि की वजह से जेजेपी को भी बड़ी हानि हुई। दुष्यंत से लोग नाराज नहीं थे, ये बात समझने में 4.25 साल लग गए जी। जो ये हमारे पे गरम हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा हमारे कुर्ता पकड़ लेते हो, कॉलर पकड़ लेते हो, गाड़ी से नीचे उतार देते हो, इन बीजेपी वाले खट्टर साहब को करके दिखाओ ना। मेरे पिताजी से जब जब भी पूछा गया, अजय सिंह जी क्या आपका परिवार एक होगा, वो सवाल किसी ने नहीं दिखाया। मेरे पिताजी एक सकारात्मक व्यक्ति हैं, उनका जवाब सदैव सकारात्मक रहा। उनने कहा जिन्होंने हमें निकाला अगर वो बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा, मेरे बच्चों को भी ले जाऊंगा। मैं भी आज उन्हीं की बात को दोहरा देता हूं, मेरी पार्टी के वो लीडर हैं, मेरे परिवार के बड़े हैं। मेरे पिताजी ने जो कहा वो ठीक ही कहा कि जिन्होंने हमें निकाला अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि इन्हें वापस बुलाना है तो वो फैसला भी उन्होंने किया था, हमने तो नहीं किया था। ये फैसला भी वही करेंगे, हम नहीं करेंगे। मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि जब दिखाते हैं तो इसको सिर्फ मेरा वर्जन, यानी जो जेजेपी का वर्जन है वो दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आप ही लोग, माफ़ी चाहूँगा आप नहीं आपके साथीगण हरियाणा में अभय सिंह चौटाला के सामने जाते हैं, उसे कहते हैं कि अजय सिंह जी ने ये कहा कि परिवार एक तब होगा जब चौटाला साहब कहेंगे, और फिर अभय सिंह तिलमिला करके जो है ना अपनी भड़ास निकालते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो इस फैसले के अंदर सबसे बड़ी वो हैं, अथॉरिटी हैं। ऐसा मत कीजिए। अभय सिंह जी से हम ये सवाल ना पूछ रहे हैं ना उनका जवाब चाहते हैं। ये अथॉरिटी है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, हमें निकालने वाले हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। जब उन्होंने निकाला ये फैसला उनका था, अगर वो हमें वापस बुलाएंगे ये भी फैसला उन्हीं का होगा। अभय सिंह चौटाला जी को इसमें मत परेशान कीजिए, वो वैसे ही ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। भाजपा जो है अजका से, अभिपा से, लोकदल से, इनसे गठबंधन करके जेजेपी से, उनको सब पार्टियों को बीच समुद्र में छोड़ दिया जाकर के उनका फायदा उठाकर, इसके बारे में क्या कहें। ऐसा है कि बार बार जो जैसा बर्ताव करता है ये तो एक नियम है प्रकृति का कि उसके साथ फिर वैसा ही हो जाता है। इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को मझधार में ला के छोड़ देगी, ना आगे बढ़ा जाएगा ना पीछे जाया जाएगा, वो दिन दूर नहीं। ये बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हमारा लक्ष्य गठबंधन करना नहीं है। अब हमारा लक्ष्य 500 लोगों की भीड़ में हरियाणा की आवाज़ को पहुंचाना है मजबूती से, जैसे दुष्यंत चौटाला ने 2014 से 19 तक पहुंचाया था। जो विरोध हो रहा है आपका या फिर जसपा की बाकी नेताओं का? मेरा जो विरोध हुआ आज, कल मेरा विरोध हुआ और आज सुबह होने से पहले वो सारे लोग एक्सपोज हो गए। कैसे अभय सिंह चौटाला की कोठी पर बुला करके उन्हें कहा गया, बताया गया और मेरा विरोध करवाया गया। और मेरा विरोध नहीं, ये तो खुदा ना खास्ता जिस गांव में मैं था, अगर वो गांव वाले उनका साथ दे देते तो वो मेरे पर बड़ा हमला करने वाले थे। गांव वालों ने उनका हाथ पकड़कर गांव से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि हमारे गांव का ठेकेदार और पंचायती बनने की जरूरत नहीं है, यहां से निकल जाओ। पूर्व सीएम ने भाषण दिया था कि 9 साल में हमने पैसे लेके तबादले कर, कहते हैं आजकल। अभी आपने कहा, मैं ये मानता हूं कि मनोहर लाल जी की वजह से, उनकी छवि की वजह से जेजेपी को भी बड़ी हानि हुई। मनोहर लाल जी की जो छवि थी, दुष्यंत से लोग नाराज नहीं थे, दुष्यंत को जब मनोहर लाल के साथ देखते थे, मनोहर लाल जी के साथ जब खड़ा देखते थे तो लोग ये कहते थे कि दुष्यंत जी इसके, इनके साथ आप खड़े अच्छे नहीं लगते, हमारा गुस्सा गुबार इन पे है। और वो ही मुझे लगता है कि जो छोटा मोटा आज लोगों में सेंटिमेंट पैदा हुआ है वो इसीलिए हुआ है। उनकी जगह कोई और मुख्यमंत्री होता और दुष्यंत उप मुख्यमंत्री होते तो शायद हालात भिन्न होते। ये बात समझने में 4.25 साल लग गए जी। कई बार लग जाता है टाइम, कई बार अपने घर के अंदर क्या माहौल पनप रहा है, बाहर क्या हो रहा है, इसको पनपने में समय लगता है।
इसको समझने में कई बार समय लग जाता है, आपको भी लग जाता है कई बार, निजी नुकसान होगा इससे, आपने नुकसान नहीं होगा, इसीलिए तो हम लोगों को मना रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, कोई हमारे से अगर मायूस है किसी बात को लेकर, हताश है, हम उनसे चर्चा कर, किसानों का गुस्सा शांत कर पाएंगे कि लगता है जी आपको भी शांत होगा? किसानों की डेफिनेशन क्या है? तो आपका किसान संगठन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसान संगठन जिन्होंने आंदोलन किया सर, ये कह रहे हैं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसानों की डेफिनेशन क्या है? संयुक्त किसान मोर्चा, किसान जत्थेबंदियां, राकेश टिकैत जी, चदूनी जी, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी किसी गांव के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी, आप कह सकते हैं, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, किसी गांव के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी आदमी किसी का भी झंडा किसान यूनियन का लेके हाथ में काले रंग का पटका गले में डाल करके मेरी, दुष्यंत जी की या किसी पॉलिटिकल पार्टी की नेता की गाड़ी के सामने आके मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि इसकी डेफिनेशन तो बताओ। अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी की मदद नहीं की क्या नोहर के अंदर जाके? अभय सिंह के बच्चों ने, मेरे भाइयों ने वोट नहीं मांगे अपने मामा के लिए? क्यों नहीं विरोध करते उनका? किसान जत्थेबंदियां बीजेपी का, बीजेपी के लिए वोट मांगने वाले अभय सिंह चौटाला का विरोध क्यों नहीं करते? कोई जवाब नहीं किसी के पास। अभी जैसे किसान, अब मैं कल को कुरुक्षेत्र में जाकर के अभय सिंह जी की गाड़ी के सामने हमारे कार्यकर्ताओं को किसान के झंडे पकड़वा करके उनका विरोध करवा दूं, क्या ये अच्छा लगेगा? जो ये हमारे पे गरम हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा हमारे कुर्ता पकड़ लेते हो, कॉलर पकड़ लेते हो, गाड़ी से नीचे उतार देते हो, इन बीजेपी वाले खट्टर साहब को करके दिखाओ ना। आपके अनुसार जो विरोध कर रहे हैं वो किसान ने होकर किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ता हैं? ये तो प्रूव ही हो गया आज सुबह, आपने देखा नहीं क्या? आपने सोशल मीडिया पे देखा नहीं क्या? मैंने, मेरे को सीआईडी का इंटेल था कि अभय सिंह चौटाला के घर पर कल रात साजिश हुई है, आज पिपली गांव में तुम्हारे पर हमला होगा। मैंने फोन कॉल काटा और गाड़ी मुड़ी, इतने में तो सामने आ ही गए थे एसपी डवाली और सीआईडी की खबर गलत होगी क्या? मैं तो सत्ता में नहीं हूं, उनने मुझे नाम के साथ बताया है कि ये लोग सम्मिलित होंगे। मैंने ये कहा था ये झंडे छोड़ दो और इनेलो वाले लेके सामने आओ। किसान संगठन नेता से बात, ये क्यों नहीं करेंगे? किसान नेता कोई अलग थोड़ी, हमारे ही हैं। हम वो, यही तो मैंने बात करी, मैंने टिकैत साहब से बात करी, उन्होंने कहा कि कौन है? मैंने कहा जी अब नाम तो हमें नहीं पता, ये लोग हैं। तो कहते हैं जी अपनी कैपेसिटी में कर रहा होगा कोई, हमारी तरफ से कोई आदेश, तो अपनी कैपेसिटी में तो आप भी झंडा लेके खड़े हो जाओ चाहे।